की नगरी उज्जैन में मुकेश टटवाल ने महापौर पद की शपथ ली। इससे पूर्व उन्होंने मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान किया। इसके पश्चात बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे, गुरुद्वारे में मत्था टेका और शुक्रवार को कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में महापौर पद की और गोपनीयता की शपथ ली। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी 37 पार्षद भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने भी मुकेश टटवाल के बाद शपथ ग्रहण किया। हालांकि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया है। कांग्रेसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फिजूल खर्ची भी की जा रही है और नगर निगम की बजाय कालिदास अकादमी में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। ऐसे में कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया और पार्षद रवि राय ने 6 अगस्त शनिवार को नगर निगम में सभापति चयन के दौरान ही शपथ ग्रहण करने की बात कही है। इधर शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर सभी भाजपाई मौजूद रहे। महापौर पद का पदोन्नति की शपथ लेते ही मीडिया से चर्चा में मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन की जनता द्वारा चुना गया हूं और मैं जनता के हर वो काम करूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, शिप्रा शुद्धिकरण हो, शहर की सड़कें हो या बिजली पानी की समस्या हो। पूरे शहर का भ्रमण करूंगा, एक एक गलियों में खुद देखूंगा और जहां जैसी जरूरत होगी वहां विकास कार्य करूंगा। विज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण बनाए रखूंगा। मुकेश टटवाल जी और ज्यादातर निर्वाचित पार्षदों ने आज शपथ ले ली है, उनको सबको शपथ मेरे द्वारा दिलाई गई है। जो शेष बचे हुए पार्षद हैं, जब कल कार्यक्रम शुरू होगा तो सबसे पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी।